घोसी लोकसभा के शहर क्षेत्र के मैं एक बाटी चोखा के एक दुकान पर उपस्थित हूँ। यहाँ के जनता से मैं यहाँ की चुनाव की का मूड जानता हूँ कि कौन एनडीए या इंडिया कौन किस जीत रहा है, यह मैं इनसे अभी मैं बात कर रहा हूँ। आइए, क्या नाम है चाचा जी? हमारा नाम मनोज कुमार पांडे है जी। मनोज जी, इस बार क्या परिवर्तन है या क्या है? मोदी सरकार, इस सब भी मोदी सरकार है जो कि पिछले जो सरकारें रही हैं अब तक की, तो जिस वे में काम की हैं उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। और राष्ट्रीय स्तर पे हमारे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो काफ़ी अग्रणी हैं और अग्रसर हैं, और हमारे देश को आगे विकसित करने में बहुत बड़ा उनका योगदान है। इसलिए मैं चाहूँगा कि फिर से उनकी सरकार बने। तो क्या लग रहा है इस बार, परिवर्तन किया फिर? नहीं, परिवर्तन कहीं दिख नहीं रहा है, दूर दूर तक कहीं कोई विपक्ष के प्रत्याशी दिख नहीं रहे। तो फिर लग रहा है कि इस बार जो है, इस बार भी फिर से मोदी सरकार बनेगी। क्या नाम है भैया? अभिषेक पांडे। पांडे जी, इस बार क्या है परिवर्तन? इस बार 400 पार, इस बार फिर मोदी सरकार। क्यों, क्या है, क्या क्या योजना नहीं लाई मोदी ने? बताइए क्या क्या योजना है आप जो? उज्ज्वल योजना, अभी सूर्य किरण योजना चल रही है, उसके बाद आयुष्मान कार्ड योजना, फिर सारे आप रोड देख रहे हैं, नितिन गडकरी की सरकार में रोडें कितनी अच्छी हो चुकी हैं, यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म होने वाला है। दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं, यहाँ से जंगल राज खत्म हो चुका है, सारा कुछ तो खत्म हो गया। वो तो छठवें चरण में ही मोदी सरकार बन गई है, वो तो 400 पार के लिए ये सातवां चरण है। अच्छा, हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार घोसी लोकसभा से थोड़ा सा मामला चल रहा है, वो तीन सीटें फंसेंगी। अरे आ गए हमारे, वो तीन सीटें यहाँ से फंसेंगी, लेकिन ये जान लीजिए कि 400 पार्क नहीं, 370 सीटें तो बीजेपी लाएगी, एनडीए कम से कम 390 सीट लाएगी। और आपके सारे न्यूज़ चैनल का रिकॉर्ड है कि 330 चल रहा है। आइए हम इनसे बात करते हैं, हमारे भाई साहब हैं ये बाटी चोखा की दुकान पर। क्या नाम है बाबू? नीतीश कुमार। क्या लग रहा है इस बार, बदलाव है या कौन जीतने की कौन जीते? राजीव राय जीत रहे हैं। राजीव राय, क्या लग रहा है, कैसे क्या लग रहा है? हमको माहौल लग रहा है कि राजीव राय जीतेंगे, मोदी की सरकार अब नहीं बनेगी इस बार। इस बार सरकार किसकी बने है? कांग्रेस की बनेगी, गठबंधन। परिवर्तन, परिवर्तन चाहते हैं। क्या नाम है बाबू? अरमान। अरमान, क्या है परिवर्तन इस बार की फिर वही सरकार? फिर वही सरकार, फिर वही? क्यों, वजह क्या है भाई? बहुत वजह, सभी लोग परिवर्तन चाह रहे हैं तो आप कह रहे हैं बहुत वजह है? बहुत वजह है सर जी। क्या बताइए, क्या बताएं आपको, बहुत सारी वजह है। अखिलेश सरकार नहीं चाहते, इंडिया जो है गठबंधन नहीं होगा? नहीं होगा, एनडीए चाहेंगे। हाँ, क्या नाम है सर? संजय यादव, भूतपूर्व प्रधान। क्या लग रहा है संजय जी इस बार? बिल्कुल परिवर्तन लग रहा है। कौन किसकी परिवर्तन, कौन सरकार आएगी? एनडीए की सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार। क्या लग रहा है? रुको यार, एनडीए सरकार बनेगी क्योंकि साणों से और सारा जनता त्रस्त हो गया है। जो 5 किलो राशन गिना रहे हैं, ये उपलब्धियाँ वो उपलब्धियाँ गिना रहे हैं, कहीं धरातल पे नहीं है। जितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा तो सड़वे चढ़ जा रहे हैं। कितने लोगों का एक्सीडेंट हो गया रोडों पे, कौन जिम्मा लेगा इसका? कोई है जिम्मेदार इसका? कोई नहीं जिम्मेदार है। तो ये सब खाली मंदिर मस्जिद ये बन गया वो बन गया, रोजगार पे, महंगाई पे, इस पे कोई बात नहीं है, खाली बस यही उल्टा सुलटा बातें, जलूल की बातें। आजकल मोदी जी मुजरे की भाषा बोल रहे हैं, इनका भाषा बदल गया है, पता नहीं कहाँ कहाँ से भाषा सीख के आ गए हैं। अब क्या बोल रहे हैं? अब मुजरे की भाषा बोलने, सब मुजरे करेंगे, यही पीएम मोदी का बोलने का तरीका है जो प्रतिष्ठित पद पे है। तो क्या इस बार बदलाव? हाँ, बदलाव इस बार बदलाव होना है इंडिया की सरकार। क्या नाम पड़ेगा भैया? राजकुमार सिंह। क्या लग रहा है इस बार? इस बार मोदी सरकार, मोदी सरकार जी। अभी आपके सामने कह रहे हैं कि मोदी नहीं है, परिवर्तन होना है। थोड़ा हमारे विपक्षी है ना। अच्छा, तो ये चलते हैं भाई थोड़ा दूसरे हिसाब से, लेकिन मोदी सरकार ही चाहिए। ये तो कह रहा है कि राजीव राज जीतेंगे और वहाँ पर इंडिया सरकार बनेगी? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं। क्यों, क्या उपलब्धि रही कि आप लोग? उपलब्धियाँ बताओ, खाली बस मोदी मोदी खाली बस वही। क्या नाम है आपका? पति बता दी तो क्या मैंने क्या नाम कहा हो? क्या नाम है चाचा? हमारे मेहंदर नाम है। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन? हम लोग तो चाहते हैं कि बहुजन सरकार जीते,
बहुजन क्या लग रहा है कि बहुजन हम लोग चाहते हैं कि मोदी ये पर जीत जाएंगे तो पूरा जो ने बचल खोचल वो बेच गली में क्या क्या बेच दी हम लोग आइसक्रीम बेचने वाले आदमी हैं। गरीब ना रहेगा तो कोई ईटा नहीं खनेगा कोई मस्जिद नहीं बनाएगा गरीब रहेगा तो वही मस्जिद बनाएगा मंदिर बनाएगा घर द्वार बनाएगा मोदी नहीं आएंगे इस बार किसको अपना मोदी जो की नहीं आएंगे इस बार किसको चाह रहे हैं आप हाँ चाचा किसको चाह रहे हैं गरीब ना रहे गरीबे से बड़ी दुनिया भइल बा गरीब ना रहे तो दुनिया ना चली गरीब ही से दुनिया चल रही आपको सुविधा मिला कि नहीं मिला है ये सरकार में कुछ नहीं सुविधा मिला है कुछ नहीं एक रुपया का परिवर्तन नहीं मिला है तो हम कैसे कहें राशन पाँच किलो राशन दे रहे तो वो गर्दन काट रहे हैं गैस मिल रहा है 1200-1300 रुपया हम लोग के ज़माना में 300-400 रुपया गैस मिले आज के ज़माना में उनकी क्या हो गया गरीब कैसे रहेंगे गरीब कैसे खाएंगे चाचा का कहना है कि इस सरकार में कुछ नहीं मिला हम बहुजन की सरकार चाह रहे हैं लेकिन वही अन्य लोगों से जब बात किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार भाजपा की फिर दोबारा आएगी लेकिन यही मैं फिर पूछ रहा हूं हमारे चाचा बगल में खड़े हैं कि इस बार जो है सरकार किसकी बनेगी और क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा देखिए शांति सुरक्षा और विकास को लेकर चुनाव हो रहा है एक और राष्ट्रवाद को लेकर हो रहा है एक तरफ सांप्रदायिक जातिवाद तुष्टिकरण परिवारवाद और लूटवाद यह दो तरफ के चुनाव हैं और जनता मन बना ली है कि भ्रष्टाचारी एक तरफ पूरा गोल बना के केवल मोदी का विरोध कर रहे हैं कोई योजना इनके पास नहीं है केवल देश की धन को लूटने का काम कर रहे हैं इसलिए आज मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास है और 400 पार भेजे की कोई अड़चन बीच में ना आए जनता ने मन बना लिया कि मोदी और योगी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने चाचा कि एक हमारे ग्राम गांव सभा के प्रधान भी रह चुके हैं कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होना है परिवर्तन नहीं होना है हर बार परिवर्तन होता है ये सब जो है ढोलक बजाते हैं और वो सब चीज़ व्यवस्था कर